हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही। राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आंवले का अचार। उसके लिए हमने 200 ग्राम आंवला लिया है, दो बार धुल लिए हैं। यहाँ पे हमने गैस ऑन करके पानी रख दिया है, इसे भाप से उबालेंगे। पानी में नहीं उबालेंगे क्योंकि इसको स्टोर करना है अचार को, इसी में रख के सब भाप से इसे उबालेंगे। सभी आंवलों के हमने रख दिया है, इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट तक इसे उबालेंगे। आंवला उबल गया है, देखिए सभी फट गए हैं। अब इसे बंद कर देंगे गैस को, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसे निकालेंगे। आंवला ठंडा हो गया था, हमने सभी का फांकी निकाल कर अलग कर लिए हैं। यहाँ पे बीज अलग कर दिए हैं, इसे फेंक देंगे। इसे एक घंटा पंखा के नीचे या धूप में हल्का सा सुखवा लेंगे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आंवला अचार खराब होने का डर रहेगा। अगर हल्का सा पानी सूख जाएगा तो खराब नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टोर करना है इसे बना के। यहाँ पे हमने आंवले को एक घंटा सुखा लिया है, इसे हमने बाउल में रख लिए हैं। इधर कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा, सौंफ, धनिया, सरसों, इन्हें हम भूनेंगे। कलौजी, जवाइन को भूनेंगे नहीं, इसे खड़ा डालेंगे। अब इन सब तवा यहाँ पे हमने गर्म रख करने के लिए रख दिया है, आंच को मीडियम किए हैं। सभी चीजों को डाल देंगे बहुत हल्का भून देंगे, धीमी आंच पे एकदम भूनना है। भून गए हैं, गैस को हमने बंद कर दिया, इसे निकाल लेंगे। 4 से 5 लाल मिर्च लिए हैं, इसे भी हल्का भूनेंगे। भून गया है, गैस को बंद कर देंगे। तेल गर्म हो गया था, हल्का शीत गर्म है। अब इसमें हल्दी मिलाएंगे, हल्दी को मिक्स करेंगे, जवाइन, मंगरल, हींग डालेंगे थोड़ा सा। कलर अच्छाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। सभी को मिक्स करेंगे, मसाले डाल देंगे, जो पीसे हुए मसाले हैं वो भी डाल देंगे। नमक, अब इसमें आंवले को मिला देंगे मिक्स करके। हमने आंवले का अचार बना के रेडी कर दिया है। हमने 250 ग्राम बनाया है। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं, आप थोड़ा ही दिन के लिए बना रहे हैं, अगर आप साल भर तक बनाने के लिए रखने के लिए बना रहे हैं तो अधिक और लेके बना सकते हैं, और उसमें मसाला भी अधिक डालिएगा। हम 250 ग्राम बनाए थे। आंवला का अचार बन के रेडी है, आप सभी बनाइए, स्टोर कीजिए, महीना दो महीना साल भर खाइए, खराब नहीं होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। थैंक यू, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।